हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स गिवन है. हमें उनके एग्जांपल से उन्हें मैच करना है जो कि लिस्ट टू में गिवन है. तो यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट विल बी दी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? दीज आर दी डिवाइसेस या फिर ड्रग्स जो कि हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज. फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज. सो ये नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस काम कैसे करते हैं? दे वर्क बाय द इम्यूनो मॉड्यूलेशन. किस चीज का? ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ यूट्रस. इट विल स्टिम्युलेट द इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द यूट्रस, जिसकी वजह से क्या होगा? मैक्रोफेजेस बन जाएंगे. और जब ये मैक्रोफेजेस बन जाएंगे इट विल कॉज द फेगोसाइटोसिस. और फेगोसाइटोसिस किसका होगा? ऑफ द स्पर्म्स. इसका जो एग्जाम्पल होता है दैट इज द लिपेज लूप. नेक्स्ट जो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन है दैट इज द कॉपर रिलीजिंग आयोडीज. तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं इसके केस में क्या होता है? ये रिलीज करेंगे द कॉपर आयंस इन द यूट्रस. इट विल फर्दर सप्रेस द मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी. किसकी? ऑफ दी स्पर्म. और ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा. अब अगर इसके हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें CUT यानी कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375. नेक्स्ट जो आईओडी गिवन है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी. अब हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज के केस में क्या होता है? यहाँ पर ये हार्मोन रिलीज करेगी सच एज दी प्रोजेस्टेरॉन इन द यूट्रस. तो ये क्या करेगा? सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा. इट विल मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल. कैसे? बाय मेकिंग द म्यूकस थिक. अब म्यूकस थिक और स्टिकी हो जाएगा तो जो स्पर्म है ये यूट्रस तक नहीं जा पाएगा. देयरफॉर फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगी, इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी. इसके हम एग्जांपल्स देखें तो इट इंक्लूड्स LNG20 एंड प्रोजेस्टर. लास्ट जो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन है वो है वॉल्ट्स. तो ये वॉल्ट्स क्या है? ये बैरियर मेथड है ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन. ये क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म स्पर्म एंड द ओवम. ये इंक्लूड करते हैं द कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स एक्सेट्रा. तो ये जो बैरियर्स होते हैं दीज आर जनरली मेड अप ऑफ रबर्स. तो इन्हें हम बोलते हैं द रबर बैरियर्स. तो अब अगर यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस देखें, पहला है नॉन मीडिएटेड आईओडीज. तो नॉन मीडिएटेड आईओडीज में का एग्जांपल है हमारे पास लिपेज लूप. सेकंड है द कॉपर रिलीजिंग आईओडीज. कॉपर रिलीजिंग आईओडीज का यहाँ पर एग्जांपल है मल्टीलोड 375. थर्ड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, इसका एग्जांपल है यहाँ पर LNG20. और वॉल्ट्स, वॉल्ट्स किसका एग्जांपल है? दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ रबर बैरियर. तो इट विल बी डी. तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ए का थर्ड, बी विल बी द फर्स्ट, सी फोर्थ और डी सेकंड. देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.